हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ ई बायोलॉजी एंड स्टफ। सो वैसे तो हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तब हमारे पास एक छोटा सा या थोड़ा कम जो नोट्स अगर मिल जाएँ तो उनको पढ़कर रिवाइज करके अगर हम जाएंगे तो दैट विल बी मच मच बेटर। क्योंकि अगर हमने बहुत सारा पढ़ लिया है तो ईच एंड एवरीथिंग को एक बार में अपने दिमाग में बिठाना इज़ डिफ़िकल्ट। सो दिस सेशन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि रेफरेंस बुक्स पढ़कर उनसे नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी और अगर आप उन 5 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे देन यू कैन प्रिपेयर नोट्स वेरी वेल, और सिर्फ उन नोट्स को पढ़कर आप डायरेक्टली जा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किन किन टॉपिक्स पर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं, सो आई कैन गो फर्दर एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेट्स बिगिन। सो हियर यू कैन सी 4 पॉइंट्स में आपको कुछ नोट्स दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे आए? रीड कंप्लीट एंड नोट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी हमने क्या किया, हमने बहुत सारी रीडिंग की। क्या रीड किया? लेनिंजर का अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन जो चैप्टर है उसके 3 पेजेस रीड किए और उन 3 पेजेस से सिर्फ 4 पॉइंट्स निकाले। तो रीड पूरा करना है, यू हैव टू रीड कंप्लीट, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यू हैव टू नोट डाउन ओनली देम। अभी जैसे प्रोटीन्स क्या हैं, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है, पहला डिस्कवर्ड कौन है, लास्ट डिस्कवर्ड कौन है। अभी 2 पेजेस में तो सिर्फ ये दिया था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको कायरल कार्बन एटम होते हैं, वो डी फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में होते हैं, फिशर ने डिस्कवर किया। अभी इसको कैसे, ये 2 स्ट्रक्चर बना दिए हमने, दोनों एक एल फॉर्म दिखा दिया, डी फॉर्म दिखा, नीचे लिख दिया कि हाँ भाई फिशर ने 1891 में ये 2 स्ट्रक्चर्स इनके के हिसाब से ये डी और एल फॉर्म है। फिर बीच में लिख दिया एनेंसियोमर्स, यानी एनेंसियोमर्स से हमें पता चल गया कि हाँ भाई इनको कायरल कार्बन एटम भी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं। अब एनेंसियोमर्स को पिंक हाईलाइट दे दी और नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दी और उसको भी पिंक हाईलाइट दे दी, तो हमें पता चल गया कि ओके दो बोथ आर लिंक। तो नीचे लिख दिया कि भाई 2 पॉसिबल एनेंसियोमर्स नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज एनेंसियोमर। बस इस तरीके से आपको नोट्स बनाते जाना है, पॉइंट 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 लिखते जाना है। अगर कोई डेफिनेशन लिखनी है तो उसको हाईलाइट कर दो, फिर नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दो और उसको भी सेम कलर से हाईलाइट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही उसी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि फ्लो चार्ट फॉर मैकेनिज्म एंड प्रोसेसेस, जितनी भी मैकेनिज्म्स हैं प्रोसेसेस हैं उनके लिए आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। फ्लो चार्ट बनाएं और रिमेंबर ऑलवेज फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो क्या किया मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं और उसमें टेक्स्ट भी लिखा है और एक हेडिंग दी है मैंने हर एक टेक्स्ट को। हेडिंग जरूर देनी है तो वो एक पॉइंट की तरह याद रखने में आसान होता है। जैसे स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी के लिए डायग्राम भी बना दिया कि हाय भाई कॉम्प्लीमेंट्री साइट ही होनी चाहिए। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन में भी दिखा दिया कि एक एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम को कैसे एक्टिवेट करते हैं, फिर वो तीसरे को कैसे एक्टिवेट करते हैं, यानी एंजाइम कैस्केड कैसे बन रहा है। फिर दिखाया डिसेंसिटाइजेशन, उसमें मैंने दिखाया कि रिस्पॉन्स जो है वो जाकर कैसे रिसेप्टर को इफेक्ट करता है और कैसे बोलता है कि हाँ भाई ब्लॉक, बस आप सिग्नल आगे नहीं जाना है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि 2 अलग अलग टाइप के सिग्नल है तो हमने दोनों को अलग अलग पिक्चर बना दिया, एक सिग्नल 1 है 2 है, एक से एक्स बढ़ रहा है वीएम बढ़ रहा है, दूसरे से कम हो रहा है वीएम भी कम हो रहा है, तो फाइनली हमें इंटीग्रेशन मिलेगा यानी डेल्टा एक्स या डेल्टा वीएम के टाइप में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसका 2 ऐसे पॉइंट लिख दिया कि भाई 2 सिग्नल हैव अपोजिट इफेक्ट, और उसको पिक्चर के रूप में प्रेजेंट भी कर दिया कि हाँ भाई अगर 2 सिग्नल मिल रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रिस्पॉन्स देने वाले हैं। तो आपको जो भी मैकेनिज्म है उसको ऐसे हेडिंग के साथ पॉइंट्स बना लेने, अगर हो सके तो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देना, अगर नहीं हो सकता तो सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिख के एक फ्लो चार्ट के रूप में बना लेना है। नेक्स्ट है पिक्चोरियल शॉर्ट नोट्स, जितने भी मॉलिकुलर बायोलॉजी की प्रोसेसेस है जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जितने ये इस टाइप के जो ये हैं इनको एज अ पिक्टोरियल शॉर्ट नोट बनाकर ही रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है तो सिंपल सा पिक्चर मैंने बनाया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, और पिक्चर हमेशा सिंपल बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राइंग वगैरह नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल पिक्चर बनानी है जैसे देख कर ही पता चल जाए कि हाँ
यहाँ पे आर रिलीजिंग फैक्टर आ रहा है, टीआरएनए किधर अटैच है, पी साइड कहाँ है, ए साइड कहाँ है, फिर एलोंगेशन कब स्टार्ट हो रहा है, फैक्टर के साथ जीटीपी बाइंड होता है या एटीपी बाइंड होता है, ये सब जो है मेन चीज़ें उसमें मेंशन कर देनी है और सिंपलेस्ट डायग्राम बनाना है। बहुत कॉम्प्लिकेशन में जाओगे तो उसको देखकर ही लगेगा अरे इतनी सारी चीज़ें, नहीं बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाना है और उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स ही नोट डाउन करने हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोकेमिकल पाथवे। अभी बायोकेमिकल पाथवे के लिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी बायोकेमिकल पाथवे को लिखते हैं तो आपको उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, फिर उनका नाम लिखना है साइड में, राइट साइड में, और उनके एंजाइम्स जो है वो मेंशन करने। एंजाइम्स को आप हाईलाइट कर दो तो पता चल जाएगा कि ये एंजाइम्स है। अभी स्ट्रक्चर क्यों बनाने, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में मैंने जहाँ जहाँ चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए दूसरा कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर। जैसे ये प्रिपरेटरी फेज है ग्लाइकोलाइसिस की, सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जहाँ पर वो फॉस्फेट जाकर अटैच हो रहे हैं मैंने उधर ग्रीन कलर से पी को अटैच कर दिया। फिर वो आइसोमराइज होकर क्या बना रहे, फिर 2-फॉस्फेट अटैच हो गए, फिर वो एल्डोलेज ने एक्ट किया तो क्या बना रहा है, मतलब इस तरीके से आपको लिखते जाना है तो आपको स्ट्रक्चर भी याद रहेगा और ये भी याद रहेगा कि क्या लिंक हो रहा है, क्या टूट रहा है, तो उससे आपको ये बताने में आसानी होगी कि कहाँ एटीपी यूज़ हो रहे है, कहाँ एटीपी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो है आप स्ट्रक्चर को देखकर ही बता सकते हैं। चाहे तो इसमें आप एक मेंशन भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये फॉस्फेट निकल रहा है तो एटीपी बन रहा है, या यहाँ फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो एक एटीपी यूज़ हो रहा है, वो भी आप उसके लिए फिर डिफरेंट कलर यूज़ कीजिएगा और वो इसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे बायोकेमिकल पाथवे आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और भी आसानी होगी उसको याद रखने। फिर है सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, तो ये आपको कैसे हेल्प करने वाला है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है और फिर करना है सब्सक्राइब, और लास्ट में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है और उसके नोट्स आप बना ही नहीं सकते। बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स जितने भी उसमें से कोई भी टॉपिक उठाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि भाई ये जो टॉपिक है इसके नोट्स हमसे नहीं बन रहे, देन आई विल मेक वीडियो ट्यूटोरियल फॉर द सेम टॉपिक। ओके, थैंक यू।